हेलो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में इंसान के शरीर में कई तरह की ऑपरेशंस या कई तरह की टाँके वगैरह लगता है, वो बड़े हो या छोटे हो या किसी भी इंजरी की कंडीशन, इन सारे कंडीशन में कई तरह की ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें डॉक्टर साहब को सर्जरी की रिकमेंड करते हैं। तो ये बेसिकली सर्जरी जो पार्ट होता है, ये सर्जरी छोटे हो या बड़े हो, सर्जरी जरूर इंसान के शरीर में इंजरी की कंडीशन हो या कुछ डिजीज की कारण हो, कभी कभार जरूर सर्जरी होता है। और ऐसे ही एक चीज आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ जिसको कि जनरली मेडिकल लैंग्वेज में ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं। उस ट्रैकियोस्टोमी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, पूरा डिटेल्स में जानेंगे ट्रैकियोस्टोमी क्या है, क्यों किया जाता है और इसमें क्या क्या जो चीज़ है, ये जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है ये कितने प्रकार के होते हैं या ये क्या क्या किन टाइप के होते हैं, उसके बारे में करने का प्रोसीजर क्या होता है और कैसे आप ट्रैकियोस्टोमी अगर एक पेशेंट को है तो उसकी केयर कैसे आप ले सकते हैं और ट्रैकियोस्टोमी होने के बाद क्या क्या रिस्क आपको हो सकता है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे ट्रैकियोस्टोमी के बारे में। ट्रैकियोस्टोमी देखा जाए तो ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है या इसका एक ट्यूब आता है जिसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बोला जाता है। तो ट्रैकियोस्टोमी क्या है अगर उसके बारे में देखा जाए, ट्रैकियोस्टोमी जनरली एक सर्जिकल प्रोसेस है जो कि आर्टिफिशियल एयर वे हम क्रिएट करते हैं, यानी आपके जो गर्दन के निचले हिस्से में, गर्दन के नीचे बिल्कुल गर्दन की यही पॉइंट पे आपकी ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है। उसमें क्या होता है, आपके जो ट्रैकिया होता है और ट्रैकिया के जो सेकेंड और थर्ड जो रिंग होता है उसकी बिल्कुल अंदर में ये ट्यूब लगाया जाता है और इस प्रोसीजर को हम ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है। हालांकि ये प्रोसीजर एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर जब होता है तब ये कई बार आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है या कई बार शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मेडिकल कंडीशन में ज़्यादातर इसको किया जाता है और डॉक्टर की सुपरविजन में ही ये वाला जो ट्रीटमेंट है या ये वाला जो ट्रैकियोस्टोमी है ये किया जाता है। तो इसको करने का क्या मकसद होता है, तो इसको करने का ये मकसद होता है कि अगर किसी भी बीमारी में अगर किनको इंजुरी हुआ है या नेक में कहीं पे कुछ अटक गया है या मसल्स में कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया है आपके नेक में या ट्राकिया में या आपके फेस में हो या कुछ प्रकार की इंजुरी आपको हुआ है जिसमें आपकी मसल्स, नेक की मसल्स हो या आपके शरीर में कुछ भी मसल्स उसमें फंक्शन नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि क्या क्या प्रपोज हो सकता है हम उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये होता है बेसिकली ट्रैकियोस्टोमी करने की जो मेन मतलब है। हाँ, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में देखा जाए, ये ट्यूब ज़्यादातर बहुत सारे कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है और बहुत सारे साइज और बहुत कंडीशन के अनुसार इसकी जो टाइप है ये डिफरेंस करता है किन कंडीशन में कौन सी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब आपको ज़रूरत पड़े। तो ये कुछ बेसिकली ट्रैकियोस्टोमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे क्या क्या ऐसी कंडीशन है तो जिसमें आपको ट्रैकियोस्टोमी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहली बात देखा जाए, ट्रैकियोस्टोमी करने की ये ज़रूरत है अगर एक पर्सन खुद, हम एक जनरल पर्सन है जो हम खुद अपनी सांस खुद ले सकते हैं। तो कुछ मरीजों के पास ऐसे स्थिति होता है, जो लोग हॉस्पिटल या बेड रिडेंट होते हैं उनके पास ऐसे स्थिति होता है कि जो खुद सांस नहीं ले पाते हैं और उनके पास अगर ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंच सकता तो हालांकि उनके पास जो डेथ की पॉसिबिलिटी है ये ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट पड़ता है तो कई बार ऐसे होता है कि वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। तो उस वेंटिलेटर को लगाने के लिए या वेंटिलेटर से उनको एयर देने के लिए उनको ट्रैकियोस्टोमी की सर्जरी करना पड़ता है और जिसके थ्रू वो सही तरह से सांस ले पाते हैं और
उनकी ट्रैकियोस्टोमी इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी लॉन्ग्स को सही तरह से एयर पहुंचे या उनकी शरीर को सही तरह से एयर पहुंचे, तो उनकी जो लाइबिलिटी है या उनकी जो जो उनकी जो हेल्थ कंडीशन को थोड़ी डेवलप किया जा सके। तो इसीलिए ज़्यादातर हॉस्पिटल में ज़्यादातर वेंटिलेटर या सही तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंसान की शरीर को ज़्यादातर ट्रैकियोस्टोमी की इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऐसे मेन कंडीशन होता है जिसमें आपको ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है? तो देखा जाए तो एक इंजुरी या एक्सीडेंटल की कंडीशन हो जिसमें आपकी मसल्स वीक हो जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, या स्ट्रोक की कंडीशन हो या कोमा की कंडीशन हो, इन सारे कंडीशन में भी आपको ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है ताकि आदमी को या मरीज को सही तरह से वेंटिलेट किया जा सके या उनको उनकी जो ब्रीथ है ये प्रॉपर बना सके। क्योंकि मरीजों के पास जो सांस लेने की कैपेसिटी नहीं होती है या सांस लेने की क्षमता उनके पास नहीं रहता है, तो इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर जो 5 से लेकर 10 मिनट या 15 मिनट तक ये ऑपरेशन रहता है या सर्जरी रहता है जिसमें उनको एक इस तरह की एक ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब आता है जिसको इसके जो नेक के अंदर डाला जाता है और जिसके थ्रू मरीज अच्छी तरह से जो एयर है ये ले पाता है। तो क्या ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको ट्रैकियोस्टोमी करने की बहुत ज़रूरत पड़ता है? तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि इंजुरी की कंडीशन हो या एक्सीडेंटल कंडीशन हो जिसमें आपकी मसल्स वगैरह वीक हो जाता है, या कोमा की कंडीशन हो या पैरालिसिस हो जिसमें आपके शरीर की मसल्स सारे वीक हो जाते हैं उस कंडीशन में, या कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी वगैरह में भी आपको ट्रैकियोस्टोमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ कंडीशन के बारे में अगर देखा जाए, अगर आपके लॉन्ग्स में कुछ निमोनिया वगैरह भी हो जाता है तो उस कंडीशन में, या सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है उस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में भी। और एक कंडीशन होता है जिसमें आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम है तो ये डैमेज होने लगता है जिसको हम ज़्यादातर मोटर न्यूरॉन डिजॉर्डर बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी ज़्यादातर आपको ट्रैकियोस्टोमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ट्रैकियोस्टोमी लगने के बाद कुछ मेडिकल जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर ट्रैकियोस्टोमी में कुछ उनको सक्शन करना पड़ता है या उनको वैक्यूम करना पड़ता है क्योंकि उस समय ज़्यादातर म्यूकस पैदा हो जाता है उनकी चेस्ट में तो या लंग्स में, तो उस समय भी उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और स्पीच की बात देखा जाए उस समय स्पीच भी उनकी लॉस हो सकता है, तो उनकी कॉन्वर्सेशन स्टाइल है उसको समझ के उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रैकियोस्टोमी के टाइम मरीजों को कुछ फूड ओरली नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके जो जिस जगह पर आपकी जो एयर वे है उस जगह पर होते हुए कुछ हार्ड फूड पेशेंट इंटेक नहीं कर सकते, तो उस समय आपको आईवी फ्लूइड हो या नाजल ट्यूब के माध्यम से आपको खाना देना पड़ता है। तो कुछ विटामिन्स अगर या न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आपको देना हो तो आप जो नाजल फीडिंग पाइप हो या आईवी फ्लूइड के माध्यम से ही आप उनको दे सकते हैं। और ट्रैकियोस्टोमी इंस्टॉल होने के बाद आपके शरीर में आपके लॉन्ग्स में इरिटेशन हो सकता है क्योंकि आपके उस समय आपके मॉइस्ट हो सकता है, आपके नोज़ और माउथ दोनों वो मॉइस्ट होके रहता है, तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसकी वजह से आपके चेस्ट में ज़्यादातर म्यूकस या कफ ज़्यादातर पैदा हो जाता है, तो उसको ज़्यादातर या सक्शन के थ्रू उसको निकालना पड़ता है, तभी ये केयर भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है या ज़्यादातर बार बार कफ जाम हो रहा है तो ये प्रोसीजर ज़्यादातर जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं तो उनको इसके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहता है, तो इसके बारे में भी ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये ट्रैकियोस्टोमी के बाद ये उनकी केयर ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए आपको हॉस्पिटल एडमिशन की कंडीशन में भी आप ट्रैकियोस्टोमी अगर लगा है तो उसमें कुछ टेंशन की बात नहीं होता है। तो उसमें अगर ट्रैकियोस्टोमी लग गया है तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है तो उसके बारे में देखा जाए, ट्रैकियोस्टोमी जनरली जो मेडिकल सुपरविजन होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ये सर्जरी किया जाता है। हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होता है लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, कुछ कॉमन रिस्क आपको हो सकता है जैसे कि आपके जो जिस जगह पे ट्रैकियोस्टोमी हुआ है उस जगह पे ब्लीडिंग हो सकता है और आपके जो ट्रैकियोस्टोमी की जो आउटर एरिया है ये डैमेज भी हो सकता है। और वेंटिलेटर अगर लगा है तो ज़्यादातर जो एयर ट्रैप्ड हो जाता है आपकी जो नेक एरिया में एयर ट्रैप्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
और कुछ ब्लड कलेक्ट होके आपके ट्रैकिया के पास में जाम हो सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ रिस्क हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन रिस्क आपको हो सकता है। और कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखा जाए, चाहे ये इन्फेक्शन हो सकता है ये ट्रैकिया के चारों तरफ या आपके एयर वे में, इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं और उसमें आपकी एयर वे भी डैमेज हो सकता है या एक होल की तरह भी उसमें हो सकता है कि आपके लंग्स में इरिटेशन भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी आपको अगर ट्रैकियोस्टोमी आप लगाते हैं तो आपको फेस करने की पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रैकियोस्टोमी के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया या ट्रैकियोस्टोमी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।